नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमला दासी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मंगोलपुरी दिल्ली से आए भगत जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2013 में जुड़े 23 अक्टूबर को भगत जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? करते थे भगत जी, हम 35-40 साल से ज्यादा राधा स्वामी में थे। चरण सिंह महाराज जी से नाम लिया था हमने, भक्ति करी उनकी हमने 35-40 साल, लेकिन उस भक्ति से हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। आज वहाँ से हम पछता के और फिर संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में आए, हमारे को किसी भगत ने बताया, मिले हमारे को कोई भगत जी, उनका नाम है चड्डा साहब, हुकुम सिंह चड्डा, उन्होंने हमारे को बताया कि बेटे ये सच्चा ज्ञान है परमात्मा का, संत रामपाल महाराज जी का, आप यहाँ आओ जी। भगत जी हमने उनकी भी सच नहीं मानी, फिर हमने खुद देखा टीवी में, तो हम कहते थे राधा स्वामी की बुराई कर रहे हैं, हम ये सोचते थे वैसे ही बोल रहे हैं। फिर हमने इनका ज्ञान समझा, पुस्तक पढ़ी, सारी पुस्तकें मिलाई, तो भगत जी आज हमारे को पता लगा कि संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, ये सच्ची भक्ति है। बहन जी आपने बताया कि आप 35-40 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़ी थी, तो फिर क्या कारण रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? भगत जी कारण तो बहुत कुछ है, बताऊंगी तो बताते बताते टाइम बीत जाएगा, बाकी मालिक की इतनी दया हुई है संत रामपाल महाराज जी के, जो आए आश्रम में तब से हमारे को इतने लाभ हुए हैं कि आपसे बता ही नहीं जाएंगे मेरे से। संत रामपाल महाराज जी के 2013 में जुड़े हैं हम 30 अक्टूबर को, जब से परमात्मा की दया हो रही है हमारे पे। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी बहुत लाभ हुए हैं, मेरे घर वाले को 2014 में 10 अक्टूबर को पैरालाइज का अटैक पड़ गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो के उसके बाद हमारे बड़े बेटे ने जो 30-35 साल पुराना हमारा फैमिली डॉक्टर था उसके पास फ़ोन किए, उसने 20 फ़ोन काटे, जो कभी बंदा एक भी फ़ोन नहीं काटता था, उसने 20 फ़ोन काटे, तो बेटे के याद आई कि सतलोक आश्रम फ़ोन मिलाऊँ। जब फ़ोन मिला तो किसी भगत ने फ़ोन उठाया वहाँ से, तो भगत ने कहा कि भगत जी बात नहीं हो सकती परमात्मा का, सत्संग चल रहा संत रामपाल महाराज जी का। उन्होंने कहा बेटे ने मेरे, रोते रोते बड़े बेटे ने, कि भगत जी बात करा दो परमात्मा से, मेरे पापा ख़त्म हो चुके हैं पैरालाइज का अटैक पड़ के। तो भगत जी परमात्मा से बात कराई, परमात्मा ने कहा बेटे बंदी छोड़ दया करेंगे, दंडवत करके अमृत जल और प्रसाद दे दे। तो भगत जी मालिक ने इतनी दया करी संत रामपाल महाराज जी ने, इतने बेटे का फ़ोन भी नहीं कटा, इतने तो मेरे घर वाले ने यूँ कह दिया बेटे मैं बाथरूम करने जाऊँगा, बाथरूम करके भगत जी गली में टहल के आया, गली से टहल के घूम घाम के फिर घर में आया। परमात्मा ने इतनी दया करी, हमारे पूरे घर में रोआ राट मच गया था, ख़त्म हो चुके थे, बिल्कुल एक मिट्टी पड़ी थी घर में, इतनी दया करी मालिक ने, मैं आपसे बता नहीं सकती, हमारा सारा कुनबा रो राट मच गया था घर में। उसके बाद भगत जी सुबह गए सतलोक आश्रम, तो परमात्मा दर्शन देने आते हैं, सर पे हाथ रख के कहते हैं कौन मरा है, अभी नहीं मरा है, भक्ति कर बेटे दब के। उसके बाद सर जी आपको क्या बताऊं, इतनी दूर बेटा खड़ा था, उससे कहा भक्ति कर बेटे कौन मरा तेरा बाप, जो 3 हार्ट अटैक हो चुके थे उससे पहले तो डॉक्टरों ने ये कहता था इतने जिएंगे, इतने ये दवाइयाँ खाते रहेंगे, आज 7 होने को है। भगत जी सारी दवाइयाँ छुट्टी हुई उनकी, 4 पैरालाइज हो लिया, 3 हार्ट अटैक, 7 अटैक कम नहीं होते भगत जी, आपको क्या क्या लाभ बताऊँ। 4 अटैक ऐसा पड़ा था सर दिमाग पे, जो याददाश्त ही चली गई थी उनकी, बिल्कुल यादगिरी नहीं थी कुछ भी, सब कुछ को भूल गए थे। आज बंदी छोड़ के इतनी दया संत रामपाल महाराज जी की कि सब कुछ उनको याद है, जो जिंदगी में पुरानी बात हमारे याद नहीं, जो उनके याद आज, मालिक ने इतनी दया कर रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी ने पूरा जीवन दान दे रखा है, आज मालिक की दया से बिल्कुल ठीक है वो। मेरी छोटी बहू बिल्कुल अपाहिज हो चुकी थी, आज मालिक ने दया करी, जो कई लाख रुपए लगा के ठीक नहीं, आज परमात्मा की शरण में है, बिल्कुल अब कूदती फिरती है चलती हैगी, दया कर रखे मालिक ने खूब। सर जी मैं राधा स्वामी की भक्ति करते थे जब हम, तो जब ये कैंसर हो गया था, ये निशान है मेरे गर्दन में देखो, ये इतना हो गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन करेंगे ख़त्म हो जाएंगे, संत रामपाल महाराज जी से अरदास लगाई, आज बंदी छोड़ने बिना ऑपरेशन के ठीक कर दी हूँ, आँखों से अंधी भी हो गई थी बिल्कुल, 4-5 साल अंधी भी रही हूँ,
6 mm की पथरी थी मेरी पित की थैली में, वो गायब कर दी। 26 mm की पथरी मेरे घरवाले के थी, वो गायब कर दी। रसोड़ी थी कंधे में, वो गायब कर दी। बिना ऑपरेशन के ठीक करी हूँ संत रामपाल मारे जी ने, हम दोनों तीनों जने। मालिक ने इतनी कृपा करी, आपने बता नहीं सकती। मैं भगत जी बताऊँ तो दिन रात बताने में ही जाएगा, इतने फायदे दिए। मैं शरीर से बिल्कुल बेकार हो गई थी, एक मुर्दा हो गई थी सर जी, आज परमात्मा ने बचा रखी। संत रामपाल महाराज जी की शरण में मेरे को एकदम से मुर्दा लेके गए थे, मेरे बच्चे गाड़ी में डाल के रोते हुए ले गए थे। 2 घंटे के बाद तो ऐसी होगी जो मेरे कुछ हुआ ही नहीं था। आज से आपके सामने खड़ी हूँ, ये सब दुनिया देख रही होगी आज मालिक की दया से मुझे, कि परमात्मा ने मेरे को कितना बचाया संत रामपाल महाराज जी ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ ही लाभ दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो बहुत दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती यही करूंगी जी कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल महाराज जी के शरण में आए और अपने दुखों को दूर करवाओ, नाम दीक्षा लें, अपना मोक्ष कराएं, अपने भक्ति करें, सतलोक चलें। जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? साधना टीवी पे, बाकी और कई चैनल आते हैं, साधना टीवी पे शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आता है, उसको पूरा देखो, ज्ञान समझो और फिर आओ। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, भक्ति बोध है, काफ़ी किताबें हैं, उनको पढ़ो, ज्ञान समझो परमात्मा का, देखो परमात्मा कितनी दया कर रहा है। आज मालिक ने पूरा विश्व में नाम दीक्षा दे रखी है, मालिक ने बहुत कृपा कर रखी है, परमात्मा ने इतनी दया करी है, सब डॉक्टर फेल हैं इनके आगे, इनसे बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं है, हमने खुद देख चुके हैं। धन्यवाद बहन जी, सत साहेब भगत जी।